रुकन सिंध असम्बली मलिक शहजादवान ने बल्दिया टाउन के इलाके इतिहाद टाउन मोहम्मद खान कॉलोनी में पाकिस्तान चौक के लोगों से किया एक और वादा पूरा कर दिया। रुकन सिंध असम्बली मलिक शहजाद अवान ने बल्दिया टाउन के इलाके इतिहाद टाउन मोहम्मद खान कॉलोनी पाकिस्तान चौक पुलिस चौकी से होते हुए खैबर चौक मार्बल फैक्ट्री तक की सड़क 25 साल बाद बनवाकर मुखालफत करने वाले लोगों का मुंह बंद कर दिया। मलिक शहजाद अवान ने इस मौके पर कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान की खुसूसी मेहरबानी से बल्दिया टाउन के लोगों के मसले हल कर रहा हूँ। साबिका मुंतखब अरकान ने सिर्फ बातें की और हम लोग काम कर रहे हैं। ये सड़क हमने 25 साल बाद बनवाई, यही फ़र्क है हम में और बल्दिया टाउन के साबिका मुंतखब अरकान में। वो बातें करते थे और हम बल्दिया टाउन के लोगों की तवक्कुआत पर पूरा उतर रहे हैं। मजीद गुफ्तगू में कहा कि इस इलाके का सीवरेज का मसला भी हल करूँगा और चोरी डकैतियों की वारदातों पर काबू पाने के लिए भी पुलिस अफसरान से बात करके पेट्रोलिंग बढ़ाई जाएगी। काम नहीं कराया जैसा बल्दिया के और देगर इलाकों के अंदर काम होता रहा। तो मैं यहाँ मोहम्मद खान कॉलोनी पाकिस्तान चौक के सारे बुजुर्गों को, नौजवानों को, बच्चों को आज ये खुशखबरी देता हूँ कि आज हमने तरक्याती काम का आगाज आज ये रोड मुकम्मल करके कारपेटिंग करके कर दिया है। और यहाँ का दरीना मसला जो कि सीवरेज का है, तो ये भी मैं आप सबको खुशखबरी देता हूँ। तो जैसा कि यहाँ रोड का मसला मैं आप लोगों को हल करके दे रहा हूँ, ज़्यादा इमरान खान साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं स्कॉडर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनकी बदौलत उनके तावन से वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के खसूसी तावन से ये रोड हम बनाने जा रहे हैं। इसी तरह से इस इलाके का सीवरेज का मसला भी यहाँ के लोगों को मैं इंशाल्लाह हल करके दूँगा। और यहाँ पर इसके अलावा भी जितने इशूज़ हैं पुलिस के हवाले से, यहाँ के बुज़ुर्गों ने मुझे बताया कि चोरियाँ डकैतियाँ बढ़ गई हैं और पुलिस की यहाँ नफरी भी कम है, तो पुलिस की नफरी भी यहाँ पर बढ़ा रहे हैं। वो मैंने अफसरान से बात की है